ऐसा होता था कि प्रैक्टिस करने टाइम मेरे हाथ सूज जाते थे, हाथ में ये हो जाते थे, तो पापा कभी कभी देखते थे तो पापा को रोना आ जाता था, बोलते थे तू बस मेहनत कर, हम लोग जो भी होगा सब देख लेंगे। किट की जरूरत पड़ी थी, हमारे फादर ने मेरे लिए एंट्री फी करी, तो उन्होंने 1.5 लाख की किट के रेडी कर दी फ्री में। हाँ सर, क्योंकि वो एक खुद एक एथलीट है। किसान पापा के पास उतना पैसा कहाँ से आएगा, मतलब खेत गिरवी रख दिया आप लोगों ने। खेत गिरवी रख दिया। सबसे बड़ा योगदान मेरे जिम का ही रहा है, क्योंकि सर मेरे कोच, जहाँ पे जिम की पेमेंट करनी पड़ती, मेरे कोच ने एक एथलीट होने के नाते बोला कभी तुम्हें पेमेंट करने की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें देश को 6 गोल्ड मेडल दिलाने वाली कृति आखिरकार आज पटना पहुंच गई, और पटना पहुंच कर उन्होंने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा है वो आप सुने। हम लोग कोई भी गेम के बाद आते थे, सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म के पास जाके उन पे सर झुकाते। जहाँ आप जिम जाती हैं उसका क्या एक अहम योगदान रहा सर? सबसे बड़ा योगदान मेरे जिम का ही रहा है, क्योंकि सर मेरे कोच, जहाँ पे जिम की पेमेंट करनी पड़ती, मेरे कोच ने एक एथलीट होने के नाते बोला कभी तुम्हें पेमेंट करने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो। और हमारी और कोच की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि जब किट की जरूरत पड़ी थी, हमारे फादर ने मेरे लिए एंट्री फी करी, तो उन्होंने 1.5 लाख की किट के रेडी कर दी फ्री में। हाँ सर, क्योंकि वो एक खुद एक एथलीट है, वो समझ सकते हैं कि कब एक एथलीट को क्या चीज़ की जरूरत होती है। आज आप बिहार वापस पहुंची हैं, कितना गौरवान्वित महसूस कर रही हैं? पूरा देश को आप पर फख्र है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। माता पिता साथ में काफी खुश हैं आपके चलते, प्राउड फील कर रहे हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा। ट्रॉफी लाई है जो पूछ रही है? हाँ, मेरे बैग में है, उसको दो। सबने खूब मदद किया आपको, आप अभी चर्चा कर रहे थे कि आपके पिता ने भी खूब सहयोग किया, यहाँ तक कह दिया कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ सर, मेरे पापा को मेरी मेहनत देखने के बाद, क्योंकि सर ऐसा होता था कि प्रैक्टिस करने टाइम मेरे हाथ सूज जाते थे, हाथ में ये हो जाते थे, तो पापा कभी कभी देखते थे तो पापा को रोना आ जाता था, बोलते थे तू बस मेहनत कर, हम लोग जो भी होगा सब देख लेंगे। पैसा कैसे हुआ इंतजाम इतना बड़ा? सर फादर ने मेरे खेत रख करके उसको लाया, तो गिरवी रख दिया। पूछ लीजिए, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा योगदान है। मेरे कोच ने सर अपने जिम के मशीन जो होते हैं ना, उनको सेल कर दिया, मेरे आँख के सामने सेल कर दिया। किसान पापा के पास उतना पैसा कहाँ से आएगा, मतलब खेत गिरवी रख दिया आप लोगों ने? खेत की गिरवी रख दी है। लेकिन उनकी माँ है, आज खुश है, बेटी आई है, खुश तो है, पूरे भारत को गर्व है। एक मेडल नहीं, 6 मेडल है, है कि नहीं? खुश हैं? वही खेत रख के दे दिए खेलने के बच्चा के लिए, आगे और जरूरत पड़ेगा तो सब रख दीजिएगा। रख देंगे बच्चा की, देख रही हैं किस भी कर सकते हैं, इसलिए यही तो मेरा हिम्मत है सर। कुछ ने भी क्या क्या था, जिम वाले ने मशीन बेच दी, मशीन सेल कर दी सर मेरे आँख के सामने। मैंने बोला तो उन्होंने मुझे बोला चुपचाप से प्रैक्टिस कर, यही मेरे कोच है सर। आपने अपनी मशीन बेच दी? देखिए, जब बच्चा कोई अपने, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, और जो मैं नहीं कर पाया, जानते हैं जिनके अपने सपने पूरा नहीं होते, दूसरे को कोशिश करते वो पूरा करे, अब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। एक नहीं, 6 मेडल बिहार की बेटी, यही तो प्राउड की बात है कि हमारा बच्चा इस लायक बना है कि कॉमनवेल्थ जैसे गेम में 6 गोल्ड ला के भारत को दिखाया हम कर सकते हैं। कर सकते हैं बिहार में आगे, और कितनी कीर्ति आ जा सकती है? सर बहुत सारी आ सकती है। कितनी? तब भी अनलिमिटेड है, हर मेरे को तो सर हर बच्ची में एक कृति दिखती है, बस उसको रेडी करने की जरूरत है। सरकार से कहेंगे कि उन्हें सपोर्ट करें? ऑफ कोर्स सर, वो सपोर्ट करेंगे तो बहुत, मेरे से बेस्ट कृति निकलेगी। नीतीश जी ने भी आपको बधाई दी है, लेटर लिखकर, कितने खुश हैं आप? एसपी जी ने भी बधाई दी है। मिल के लेकिन देना चाहिए सर, ये बहुत बड़ी बात है, मिल के आशीर्वाद दे बच्ची को। मिलकर भी देंगे, ठीक है। अब उनके सिर्फ पिताजी हैं, देखिए मेडल बेटी ने जीता है और पहना हुआ है, माता पिता ने, बेटी ने, सब ने मेडल पहना हुआ, कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं सर। खुशरूपुर जैसे गांव से निकल कर जी, कोच को भी समर्पित कर रही है मेडल। सर मेरे कोच की मेहनत है, ये सपना मेरे कोच की थी। चलिए, खुश है पूरा बेटी का मैं भी सर। जी सर जी। कितना मेहनत किया बेटी ने? बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत की, आगे किया, ये अपना मेहनत के बल पर निकला है। मतलब बिहार की बेटी है ना, अब आपकी बेटी नहीं है? नहीं, अब तो पूरे देश की बेटी हो गई। तो आपने कृति को सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर अपने जीत का श्रेय अपने गुरुओं, और उसको लेकर भी कई बातें कही, और जीत का श्रेय अपने गुरु को दिया है, और उन गुरु से भी मिले हैं, मौके पर उनके गुरु भी मौजूद है और परिवार वाले भी मौजूद है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कृति के जीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, जब उन्होंने देश को 6 गोल्ड मेडल दिलाया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।